हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइकेबल। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही काम का टिप्स देने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में आधार कार्ड हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो चुका है। ऐसे में आधार कार्ड को हमें हर जगह लिंक करवाना पड़ रहा है, और आज की डेट में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना भी ज़रूरी हो गया है। तो अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप आसानी से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसके तीन तरीके बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले तरीके से। तो दोस्तों, ये जो पहला तरीका है, ये ऑनलाइन लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड है। यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर के अगर लिंक करना चाह रहे हो, तो उसके लिए है। फर्स्ट है विदाउट लॉगिंग, यानी कि जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट है ई फाइलिंग की, अगर उस पर आप रजिस्टर नहीं है, एक नई यूज़र है, और आप चाह रहे हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो, तो उसके लिए ये पहला तरीका है, जिसमें कि मात्र दो स्टेप है, सबसे छोटा प्रोसीडर। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ई फाइलिंग की साइट पे, जो कि साइट मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। आपको इस साइट पे जाएं और फिर क्लिक ऑन द लिंक। आपको लेफ्ट साइड में एक दिखेगा लिंक आधार का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे क्लिक करेंगे, देन आपको फॉलोइंग डिटेल्स ये भरने होंगे, यानी कि आपका पैन नंबर, आधार नंबर और नाम। यानी और नाम वही आपको भरना होगा जो कि आधार कार्ड पर आपके स्पेसिफाई हो। ध्यान रहे कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों, जैसे आप साइट खोलेंगे और लेफ्ट साइड पे जब लिंक आधार पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म में आपको क्लियर दिख रहा है कि आपको पैन कार्ड भरना है, आधार कार्ड भरना है, देन लिंक आधार पे करना है क्लिक। इसके बाद आपका ये आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, और जैसे आप क्लिक करेंगे, एक पॉपअप मैसेज आपको दिखेगा स्क्रीन पे कि योर आधार पैन लिंकिंग इज़ कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। तो आपका काम ख़त्म। ये था एक पहला तरीका, जो कि बहुत ही आसान था। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि है लॉगिंग इनटू योर अकाउंट। अगर आप रजिस्टर्ड हैं ई फाइलिंग के साइट पे, तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, रजिस्टर योर सेल्फ एट द इनकम टैक्स फाइल पोर्टल इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर। अगर आप रजिस्टर नहीं हैं बट आप चाहना चाह रहे हैं कि आप लॉगिन करके जाएं, सबसे पहले आप रजिस्टर कर लें। बट अगर रजिस्टर हैं, तो सिंपली आप जाएं, लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपको ये एक लॉगिन फॉर्म खुलेगा। देन इसमें आपको आईडी पासवर्ड, जो आपने रजिस्ट्रेशन करने वक्त जनरेट की होगी, उस आईडी पासवर्ड को फिल करना है। जो कैप्चा है उसे फिल करने के बाद लॉगिन करना है। तो आफ्टर लॉगिंग, जैसे आप लॉगिन करेंगे, तो आपका एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा कि आप लिंक करें आधार कार्ड को। अगर नहीं खोलता है, तो आप अपने आईडी के ऊपर जैसे जाएंगे, आपको एक मेनू बार में दिखेगा प्रोफाइल सेटिंग। उस प्रोफाइल सेटिंग पे आप जैसे क्लिक करेंगे, देन वहाँ पे एक आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। उस लिंक आधार पे आपको क्लिक करना है। देन जैसे ही आप उस पर लिंक क्लिक करेंगे, लिंक आधार पे, आपके सामने ये एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में जो भी डिटेल्स हैं आपको फिल करने हैं, एंड वेरीफाई द डिटेल्स ऑन स्क्रीन विद द वंस मेंशन ऑन योर आधार कार्ड। यानी कि जिस जो भी आपने डिटेल भरा है, उसे आप एक बार वेरीफाई कर ले कि वो आपके आधार कार्ड से मैच कर रहा है या नहीं। आफ्टर डैट क्लिक द लिंक आधार, एंड इफ डिटेल्स मैच, इंटर योर आधार नंबर एंड कैप्चा कोड एंड क्लिक ऑन द लिंक नाउ। सारे डिटेल्स मैच कर जाते हैं तो आप क्लिक कर दें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक पॉपअप मैसेज आपको दिखेगा स्क्रीन पे कि योर आधार नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक्ड, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आधार पैन कार्ड लिंक इज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुल, यहाँ पे एक दिख रहा है। तो ये था दूसरा प्रोसेस, जिससे कि आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों प्रोसेस थे ऑनलाइन जाकर साइट पे करना, जिसमें कि पहला जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए, दूसरा जो रजिस्टर्ड है लॉगिन के थ्रू जाना चाहते हैं उनके लिए। अब तीसरा बात करते हैं लिंकिंग ऑफ आधार नंबर एंड पैन वाया SMS। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन जाकर ना करें, तो उसके लिए भी
इसमें सिंपली आपको एक मैसेज भेजना होगा पैन सर्विस प्रोवाइडर को, तो आप SMS के थ्रू कर सकते हैं। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उसने 29 जून 2017 से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप अपने आधार पैन कार्ड को सिंपली एक मैसेज भेजकर लिंक कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके स्टेप को। तो इसमें आपको सिंपली कुछ 3-4 स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने होंगे। तो उसके स्टेप्स क्या हैं ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट क्या है, UID पैन, 10-digit आधार नंबर एंड 10-digit पैन नंबर, यानी कि आपको जो UID पैन एक मैसेज एज इट इज़ ये लिखना है। उसके बाद आपका जो डिजिट 12-digit आधार नंबर है स्पेस के बाद लिखना है, देन एक स्पेस देना है और जो आपका पैन नंबर है वो लिखना है। और इन मैसेज को आपको या तो आप इस नंबर पे भेजें 567678 पे या 561611 पे भेजें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। तो जैसा कि आप एग्जांपल देख के मैं बताया हूँ कि जैसे आपका आधार नंबर ये है एंड पैन नंबर ये है, तो आपको इस टाइप से टाइप करना है UID पैन आधार नंबर पैन नंबर एंड सेंड टू द मैसेज आइदर 567678 और 561611। तो दोस्तों ये थी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के तरीके। इसके मैंने 3 तरीके आपको बताए और तीनों आसान थे काफ़ी, और आपको काफ़ी आसान होगा, आप आसानी से अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उसने लिंक करने की आधार कार्ड को पैन कार्ड से लास्ट डेट 31 मार्च 2019 तक कर दी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।